लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र नेगी के गांव बिशर्ट को जाने वाली सड़क 1 किलोमीटर कच्ची बह गई, जिस पर डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते अब कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक इसे लोक निर्माण विभाग की बड़ी गलती बता रहे हैं। दरअसल मंत्री धन सिंह रावत का आरोप है कि 6 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण के लिए ही DPR भेजकर बजट मांगा गया, लेकिन सड़क की दूरी 7 किलोमीटर निकली, जिस कारण 1 किलोमीटर सड़क कच्ची बह गई। हालांकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो कच्ची बह गई सड़क पर डामरीकरण का कार्य कब इसे पक्का करेंगे। वहीं इस विषय को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में अधूरा रह गए कार्य को पूरा करने में सरकार परहेज कर रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मेरा तो क्षेत्र है, 1 किलोमीटर सड़क थोड़ा और रह रखी है, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी की गलती के कारण जो है वो 1 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई थी और इस बजट में हमने उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं और उनके गांव की रोड बहुत अच्छी हो जाएगी। वहाँ के इंटर कॉलेज के लिए मैंने पैसा दिया है, वहाँ पे वेलनेस सेंटर भी खोला है, वहाँ के गांव के लिए भी पानी दिया है और शहीद के परिजनों से पूछ के वो जो जैसा कहेंगे उनके नाम पे हम कुछ न कुछ जरूर। लोक निर्माण विभाग किसके अंतर्गत है? क्या वो मंत्री जी के ऊपर है लोक निर्माण विभाग जो, या वो किसी दूसरे सरकार के अधीन है? मंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बचकाना वाली बात कर रहे हैं मंत्री जी। भाई सच्चाई ये है कि जो कांग्रेस के समय में हमीरे द्वारा बनाई गई सड़कें हैं, मंत्री जी को उन सड़कों से परहेज है। मंत्री जी उन तमाम सड़कों को, उन गांव के लोगों को ये कहते हैं कि कांग्रेस की सड़कें हमने बनाएंगे। तो ये स्थिति है उस गांव में। वो राजनीतिक रूप से हर एक गांव को देखते हैं कि कौन सा गांव मेरे लिए अच्छा है, कौन सा गांव मेरे लिए खराब है।